सात छक्के मार दिए एक नौ बॉल पे इन एन ओवर। गायकवाड के लिख रहे जनाब, उसने एक सात छक्के मार दिए एक नौ बॉल पे इन एन ओवर। तो शिवा सिंह साहब की उन्होंने की तरफ से बड़ा ही अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा स्कोर टाइम चाहिए। सात छक्के मारे ऋतुराज गायकवाड ने आज, एक ओवर में 42 रन मारे हैं। छह छक्के तो मारे ही मारे, फिर एक नौ बॉल में भी छक्का मारा है। आपको ये भी बता दूं कि आज सात छक्के लगे, सात छक्के एक ओवर में, और जिस आदमी को लगे उसने अपनी एक बॉल को 360 बॉल के लिए भी इस ये कर गया। और इसकी जो फॉर्म रिजवान साहब विजय हजारे में लगी हुई है, 100 पे 100 मार रहा है, आज तो डबल 100 मार गया। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत 43 रन मारे भाई जन। नहीं जबरदस्त, छह छक्के मारे और एक पे सात रन छक्का, 42 और एक पे नो बॉल, तो 43 क्या कमाल बल्लेबाजी उन्होंने किया। मैं छक्का उन्होंने उनके हिस्से में तो नहीं होती, तो ये वाली कहानी किसने की, ऋतुराज गायकवाड ने। और ये जो ट्रॉफी हो रही है विजय हजारे, इसकी तारीख का पांचवा बड़ा स्कोर बनाया है आज, किसने बनाया? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया स्पोर्ट। दोस्तों बात करें ऋतुराज गायकवाड़, एक ओवर में सात छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज, दोहरा शतक भी जड़ा। विजय हजारिया ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल्स में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन विजय हजारिया ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में भी जारी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ नाबाद 220 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने एक ओवर में सात छक्के जड़कर कुल 43 रन बटोरे। लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में सात छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया देखते हैं, मज़ेदार वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद जय भारत। साथ साथ जी हाँ, आप ये गायकवाड़ के लिख रहे जनाब, उसने सात छक्के मार दिए एक नौ बॉल पे इन एन ओवर। तो शिवा सिंह साहब की उन्होंने पुंगी बजा दी 49वें ओवर में, 49th ओवर, 300+ 220 ये कर गया। और इसकी जो फॉर्म रिजवान साहब विजय हजारे में लगी हुई है, 100 पे 100 मार रहा है, आज तो डबल 100 मार गया है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, लेकिन इसको भाई मारे हैं छह छक्के, बॉलर का नाम शिवा सिंह 49th ओवर में। अब आई डोंट नो ये शिवा सिंह साहब कैसे बॉलर है, मतलब मुझे ये भी नहीं पता स्पिन बॉलर है या फास्ट बॉलर है, लेकिन किस कैलिबर के हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो खैर जैसा भी हो, अब बैट्समैन तो बैट्समैन खेल रहा है, तो सात छक्के जो है वो कोई मामूली बात नहीं है। छः तो सुना था, अब नौ बॉल पे भी छक्का पड़ा है, तो सात छक्के जो कि बहुत ही शानदार बात है। और बात करने की ये है कि कोई कैसा भी बॉलर हो फिर भी सात छक्के मारना ये कोई आसान काम नहीं है। स्पिनर है जनाब, कह रहे हैं स्पिन बॉलर है तो, और 49वां ओवर उसे दे दिया। हाँ तो फिर इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस क्वालिटी की आप क्रिकेट होगी कि स्पिनर को 49वां ओवर दे दिया वो भी। और ये ओपनर ही क्या होगा जो खड़ा हुआ है, ये गायकवाड तो ओपनिंग ऊपर ऊपर का बैट्समैन है, ऊपर का बैट्समैन है, तो ये इतना एनीवेज गायकवाड के वाले से। तो सात छक्के मारे ऋतुराज गायकवाड ने आज, एक ओवर में 42 रन मारे हैं। छह छक्के तो मारे ही मारे, फिर एक नो बॉल में भी छक्का मारा है। 43 बनते हैं ना, 42 और एक पर नो बॉल, तो 43 क्या कमाल बल्लेबाजी उन्होंने किया। मैं छक्का उन्होंने उनके हिस्से में तो 42 आएगा ना, एक तो टीम के खाते में जाएगा, उनके स्कोर में तो नहीं आएगा। बहरहाल अली कमाल धमाल बल्लेबाजी की, आपका ही बड़ा फेवरेट खिलाड़ी था, चेन्नई की तरफ से बड़ा ही अच्छा कर रहा है। थोड़ा सा इसको और टाइम चाहिए टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे अभी भी लगता है कि इसको थोड़ा सा और पॉलिश होने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, क्योंकि हैं ऐसे इंडिया के खिलाड़ी कुछ नए जो बहुत अच्छे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी टाइम चाहिए। इवन आज स्टेटमेंट आया था, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करो, एक बंदे के अंदर टैलेंट नजर आता है इसका, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट, मुझे ओडीआई फॉर्मेट में बड़ा पसंद है, मुझे ही बड़ा पसंद है। विजय हजारे आप हमेशा इसकी बात करते हैं, इसको चांस मिलना चाहिए, इसको चांस मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, स्पेशली इसके शॉट सिलेक्शन। लेकिन अभी इंटरनेशनल में होते रन नहीं बन पाते, तो मेरा मानना है कि बड़े खिलाड़ी हो जिन्होंने इतना डोमेस्टिक में रन बनाए हैं और आईपीएल में भी रन बनाए हैं, तो नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक बहुत एक हैवी किस्म का क्रिकेटर छुपा हुआ है। आप इसको मौका दीजिए, थोड़ा सा करने दीजिए, इसको टाइम दीजिए, ये करके दिखाएगा। लेकिन फिलहाल ऋतुराज बेचारे को जितने मौके दिए हैं उतना वो डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन आज इससे की उसने इनिंग खेली है, कमाल धमाल दी, जबरदस्त बैटिंग की, और लग यही रहा कि इंडिया का ये फ्यूचर स्टार है,
थोड़ा सा इस बंदे को और टाइम चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा। और आईपीएल से स्पेशली जब आप इतने प्रेशर सिचुएशन में बड़े बड़े बोलर्स को खेलते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जरूर आता है। बिल्कुल साथ जो है आपको ये भी बता दूं कि आज 7 छक्के लगे, 7 छक्के 1 ओवर में, और जिस आदमी को लगे उसने अपनी एक बॉल को 360 बॉल के लिए भी बड़ा जोर लगाया कि मेरी उस बॉल को 360 करार दे दो। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, मैं हंस जरूर रहा हूँ ये कहते हुए। तो उसने कहा कि वरना मैं इतने छक्के खा लूंगा जितनी बॉलें भी नहीं होती। तो ये वाली कहानी किसने की? ऋतुराज गायकवाड ने। और ये जो ट्रॉफी हो रही है विजय हजारे, इसकी तारीख का 5वां बड़ा स्कोर बनाया है आज। किसने बनाया है? ऋतुराज गायकवाड ने। अब वही बात है, मैं तारीफ करूं या बुराई करूं आप बता दें। इसकी इन्हीं कारकर्दगियों को देखते हुए कलाई की इंजरी इसकी ठीक नहीं हो रही है। आईपीएल में ठीक होके आए, अभी फिर ये कलाई की इंजरी से फिर से अतियाब हुए, फिर इन्होंने इतने ज्यादा रन किए। लेकिन जा रहा अब तक बड़ा न्यूजीलैंड के एक मुझे याद आया, अब मैं पढ़ रहा था अभी कि वो कोई बंदे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने नारायण जगदीशन के हवाले से बात करी थी, लिस्टे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसने बनाया था। और उसके बाद ही ऋतुराज गायकवाड ने जो यकीनन एक ही T20 तकरीबन लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया था T20 में, एक ही ODI खेले हैं अभी तक, वो 50 ओवर का इंडिया से खेल नहीं सके। मगर क्योंकि टफ कॉल है उधर तो बड़ा मुश्किल है, उधर तो बहुत सारे मन जाने, उधर तो बहुत ज्यादा एक ओवर में 8-8 छक्के मारने वाले खिलाड़ी है भाई टीम में। कलाइयों का जोर कितना होता है, और मारे भी किसको? शिवा सिंह को, जो उत्तर प्रदेश से है, और इससे पहले भी वो इस बात पे अड़ी कर चुके हैं BCCI के मैं। ये मसला ये है कि वो घूम के बॉल करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये वाला एक्शन क्लियर किया जाए BCCI की जानिब से। इसी एक्शन को देखते हुए कि उसने बोला तू घूम के खड़ा होता है, मैं इतने घूम के 360 डिग्री पे मारे उन्होंने छक्के 7 बॉलों पे 7, यानी कि एक नो बॉल थी जिसको मिला के हुआ है। तो ऋतुराज गायकवाड ने लिस्टे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये लाजमी खेलेंगे 50 ओवर के क्रिकेट इंडिया से, क्योंकि इंडिया में क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है तो अब सारे 50 ओवर के रिकॉर्ड बनेंगे इंडिया में। हाँ। नया रिकॉर्ड कोई नहीं बनेगा। नहीं, मैंने वो मैंने 7ों छक्के देखे। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा 7 छक्के मारना आसान नहीं है भाई, छोटे नहीं, फ्रंट फुट पे ही मारे सारे छक्के, यानी उस बॉलर ने जो है वो शिवम, उसने बैकफुट पर एक गेंद भी नहीं किया। बंदा 2 छक्के फ्रंट से खा जाता है तो वो गेंद पीछे करता है, तेज करता है, कोई क्विकर वन, उसने सारी फ्लैट और आगे ही आगे गेंदे दी हैं कि भाई तू मुझे टांग सीधी टांग ही रख के मार, उल्टी वाली टांग को सीधा। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए जिसमें एक नो बॉल पर भी छक्का शामिल था। ऋतुराज गायकवाड ने जिस तरह से विजय हजारिया ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में बैटिंग की है, शानदार किस्म की बैटिंग की है, ऋतुराज गायकवाड ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए। उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 159 गेंद पर 220 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड की इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड को आने वाले 2023 के वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए इंडिया को। ऋतुराज गायकवाड 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर में 13 शतक लगा दिए हैं। ऋतुराज गायकवाड बहुत ऋतुराज गायकवाड को आने वाले वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बने, और साथ ही साथ उन्होंने एक दोहरा शतक भी जड़ा। ऋतुराज गायकवाड की इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड को आने वाले ODI वर्ल्ड कप में इंडिया को अपनी स्क्वाड में रखना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो लाजवाब फॉर्म है। ऋतुराज गायकवाड ने लगातार विजय हजारिया ट्रॉफी में 4 शतक भी लगाए हैं और 2 दोहरे शतक भी लगाए हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़